राजधानी दून की बात करेंगे, जहां पर एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 टाइगरों की खाल और हड्डियां बरामद की गई है। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि टाइगर की खाल और हड्डी को वह काशीपुर से लाए थे, जिसे वो बेचने के लिए रुद्रपुर ले जा रहे थे। यह तीनों कुख्यात वन्यजीव तस्कर है, जो काफी समय से उत्तराखंड और सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्राइम्स के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है, उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है, और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है, और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 1.5 महीने पूर्व, हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से, और उसी क्रम में उसमें आगे लीड पर काम करते हुए कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर जसपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। ये लोग कल एक ट्रक में 2 टाइगर स्किन लेकर जा रहे थे। स्किन के साथ साथ कुछ टाइगर की जो बोन्स हैं, लगभग 35 किलोग्राम हड्डियां बरामद हुई हैं, और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पिछली बार गैंग पकड़ा गया था, कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड हैं ये, तो उन लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।